नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी अजय मेरू एक्सप्रेस चैनल। मैं हूं शरद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सप्रेस पर्सनैलिटी शो में। जैसा आप सभी को विदित है, एक्सप्रेस पर्सनैलिटी सीरीज 100 एपिसोड्स का एक सीरीज है जिसमें मैं अलग अलग क्षेत्रों से लेकर के प्रतिभाएं आप लोगों तक प्रस्तुत करूँगा। ये किसी भी क्षेत्र से हो सकती हैं, लेकिन जब बात चुनावी समर की चल रही हो तो हमें राजनीति के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसा आपने मेरे पूर्व की पेशकश में सत्ताधारी पार्टियों के और विपक्षी लोगों के इंटरव्यू देखे, तो इसी कड़ी को आगे जारी रखता हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे प्रत्याशी मौजूद है जो न सिर्फ अपने वार्ड में लोकप्रिय है बल्कि एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में भी जाने जाते हैं। स्पष्ट और बेबाक छवि है आपकी, अच्छा बोलने का आपका अंदाज है, तो देखते हैं क्या आपके विजन है, आप किस तरीके से अपनी बात को दर्शकों तक रखते हैं। सवाल मेरे, जवाब उनके। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ, कोई और नहीं, मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं श्री संजय जोशी, जो कांग्रेस संगठन से जुड़े हुए हैं और इस बार दावेदारी कर रहे हैं इस चुनाव में पार्षद पद से चुनाव लड़ने की। तो जानते हैं उन्हीं के व्यक्तित्व से जुड़े कुछ खास पहलुओं को। दोस्तों मेरा चैनल कैसा लगा, मेरी पेशकश कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। संजय जी, आपका हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ द अजमेरू एक्सप्रेस का कि मुझे यहाँ बुलाया और मुझे अपनी बातें बोलने का कुछ मौका दिया। इसके माध्यम से मैं सभी लोगों को अपने विचार और सब शेयर कर सकूं, सब लोगों को बता सकूं। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात है। क्या कुछ चल रहा है, चुनाव की तैयारियां हो रही है, सुनने में आ रहा आप भी दावेदारी कर रहे हैं। कांग्रेस में आप जिला संगठन से भी जुड़े हुए हैं, आप वहां सचिव भी हैं, पूर्व में भी आपने चुनाव में लड़ने की कोशिश करी। पिछले साल क्या हुआ था, पिछली बार जब IDSMT से आपने दावेदारी करी तो आपको पार्टी ने टिकट दिया नहीं दिया, क्या हुआ वो सब? जी उस समय मैंने टिकट की मांग की थी, जो वार्ड नंबर 16 था IDSMT कॉलोनी। उस समय मैंने भी जो हमारे पर्यवेक्षक लोग आए थे उनसे यही कहा था कि जीताओ उम्मीदवार को आप टिकट दें, और मैंने आवेदन किया था। मुझे उन्होंने इस लायक नहीं समझा और मुझे टिकट नहीं दिया, तो मैंने संगठन के लिए काम किया और आगे भी सबके लिए करता रहूँ। तो अब क्या प्लानिंग है इस इलेक्शन को लेकर के, क्या कहाँ जमीन तलाशी जा रही है? जी अभी मैं वार्ड नंबर 12 जो जनरल सीट है और वहाँ से दावेदारी पेश करूँगा, क्योंकि वहाँ वो मेरी कर्म भूमि रही है, मेरा बचपन। और मैं जब राजनीति में आया तब मैंने वहीं से काम चालू किया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूँ। आपने अपने पुराने वार्ड से चुनाव लड़ने का मानस बनाया तो उसका कुछ विजन भी होना चाहिए, वहाँ क्या कुछ है, क्यों आप उस वार्ड को चुनते हैं, किसी और वार्ड में क्यों नहीं भाग्य आजमाते हैं? जी मेरा विजन यह है कि मैं जहाँ भी चुनाव लड़ूँ या जहाँ भी जाऊँ तो मैं लोगों वहाँ की जनता से, वहाँ के मतदाताओं से एक परिवार की भांति उन लोगों के काम करूँ और उनसे मैं मन से जुड़ाव रखूँ, ना कि राजनीतिक। और उन लोगों के जो काम है, किसी भी तरह का काम मैं उनके काम कर सकूँ, चाहे नल बिजली पानी या और कोई जो मेरे द्वारा किए जा सकते हैं, मैं ज़रूर उनको करने के लिए उत्सुक हूँ। और मैं उन लोगों से पारिवारिक मेरे रिलेशन है और मैं उन लोगों के कुछ काम आ सकूँ। चलिए अच्छी बात है, लेकिन अभी जिस दौर में आप चल रहे हैं, जैसा आपको पहले IDSMT कॉलोनी से आपने टिकट की मांग की, संगठन में आप सक्रिय भी हैं, आपको नहीं दिया, तो क्या अगर इस बार टिकट नहीं दिया तो बगावती तेवर रहेंगे आपके? जी नहीं, पूर्व में भी मैंने मुझे टिकट नहीं मिला, मैंने चुनाव में काम किया, संगठन में काम किया, और इस बार भी अगर पार्टी मुझे नहीं देगी तो मैं सबके लिए काम करूंगा। ऐसा कोई कुछ भी नहीं कि मैं बगावती तेवर नहीं, मैं संगठन के लिए काम करूंगा और जिसे टिकट मिलेगा उसे जिताने में हर संभव प्रयास करूंगा।
इसे कहते हैं दोस्तों अनुशासित जीवन शैली। प्रयास करेंगे आप कि आपको टिकट मिले, और चूंकि आप जिला स्तर के पार्टी के पदाधिकारी भी हैं तो आपका अनुशासन उस स्तर का भी होना चाहिए। ये एक पॉइंट देखा जाता है यहाँ कि आप निर्दलीय लड़ने के इच्छुक बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्राथमिकताएं क्या रहेगी अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आप जनता के बीच में जाएंगे, तो क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे? जो जनता की, जो आजकल आम जनता की मुद्दे हैं, पानी बिजली वगैरह, तो जो सरकारी योजनाएं आती हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती, मैं उन योजनाओं तक, उन लोगों जो उस योजना के पात्र है उन लोगों तक पहुंचाऊं, मेरा ये विजन है। मैं जो और भी कई काम होते हैं नगर पालिका में, पानी बिजली सफाई ये काम नहीं होते हैं। जो योजनाएं सरकार आम लोगों तक पहुंचाना चाहती है और जो उन तक नहीं पहुंच पाती है, मैं उन योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए काम करूंगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो जिससे उन लोगों को फायदा दिला सकूं। चलिए अच्छी बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे के प्रश्न आते रहे हैं कि भाई आप IDSMT से थे, आप यहाँ से अब चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, जनरल की सीट आ गई, पहले आप वहाँ से नहीं लड़ पाए, इस वार्ड में अभी वर्तमान में जिनकी सत्ता है, जिनका शासन है, क्या कुछ उनके एक गैर राजनीतिक रूप से आपको उसकी वार्डवासी के रूप में इस पार्षद जो अभी वर्तमान में है उनके विकास कार्यों का मूल्यांकन कैसे करते हैं? जी अभी ये बात तो मैं वहाँ पार्षद तो अभी BJP के हैं और मैं कांग्रेस से टिकट मांग रहा हूँ, वाजिब है मैं उनके लिए ये कहूँगा उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। धरातल पे मैं आपसे ये कहता हूँ, ये मेरा आपसे निवेदन है कि आप स्वयं जाएं और धरातल पे वहाँ जाकर और मतदाताओं से पूछे उन्होंने क्या काम किया है। मैं तो ये चीज़ वाजिब है कि मैं तो कहूँगा उन्होंने कुछ भी नहीं किया है जी, जो हकीकत है, लेकिन मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप खुद जाएं और उस वार्ड का दौरा करें। सबसे बड़े मुद्दे क्या अब आपको लगते हैं? चलिए ये तो आपने बहुत क्लियर कर दिया कि भाई मैं विपक्ष में हूँ इस पार्टी के, तो मैं तो बुरा ही करूँगा, अच्छी बात है, मेरे से अच्छाई की उम्मीद क्यों की जाए, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें वहाँ अभी पेंडिंग है कि जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं? वहाँ ज़्यादा ये है कि 5 सालों में जो जो उन्होंने काम नहीं किए जो पेंडिंग है वो काम मैं पूरे करूँगा। उनमें क्या खास है? तो लोगों, यानी कि जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं उन्होंने लोगों को बताई नहीं केंद्र और राज्य सरकार की, उन्हें मैं पूरा करवाने का, उन जो पात्र लोग हैं उन्हें उसकी योजना का लाभ दिलाने की कोशिश करूँगा। सबसे बड़ा मुद्दा है अभी पानी का, लो प्रेशर से स्ट्रगल हो रहा है। सबसे पहला काम यही रहेगा कि मैं उस जो अव्यवस्था, उस अव्यवस्था को सही करने में पूरे प्रयास करूंगा और उससे पहले ही करूंगा, चुनाव से पहले मेरा ये सबसे पहला है। मैं हाँ, अब तो आप दावा कर ही सकते हैं क्योंकि राज्य सरकार आपकी है, तो आप लोग अपने स्तर पर संगठन में सक्रिय हैं, तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, जनता को चुनाव के समय में एक जमीन मिल जाएगी आपको अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन जब आप संगठन में हैं, आप जिला स्तर की देहात कांग्रेस में आप सचिव पद लेकर के बैठे हुए हैं, ये संगठन एक आउट ऑफ द सिलेबस बात करते हैं, मेरे दर्शक मुझसे पूछना भी चाहते हैं कि पुष्कर की राजनीति में कांग्रेस में दावेदारों की बड़ी ज़ोरदार कमी है और उठापटक है, क्या कुछ है ये? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि दावेदारों की कमी है, मेरी नज़र में नहीं है। माननीय सचिन जी पायलट साहब हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, माननीय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, माननीय नसीम अख्तर जी हैं, तो इन लोगों के पास दावेदार पहुंच रहे हैं, लोग दावेदारी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि इनके पास दावेदार नहीं है, आज की तारीख में 25 वार्डों में हमारे पास कम से कम भी दो दो तीन तीन दावेदार मौजूद हैं और टिकट मांग रहे हैं। बस ये केवल ऊपर, वहाँ ऊपर वाले में शो में चल रहा है, यहाँ शहर में चर्चाएं ये है कि बहुत सारे ऐसे वार्ड हैं जहाँ आप लोग आपसी फूट के और संगठन के मतभेदों से जुड़े हुए हैं, आपके इसको टिकट मिला तो ठीक है, इनडायरेक्टली मेरे को नहीं मिला तो मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा, उसको ठिका लूंगा, वो क्या ये संगठन में ये ऐसा क्यों हो रहा है?
पुष्कर नगर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो संगठित और अनुशासित कार्यकर्ता हैं, मेरे जैसे कार्यकर्ता हैं। पुष्कर में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक हैं और हम सब एक होकर एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। 25 वार्डों में सभी लोग काम कर रहे हैं और सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को मानते हैं कि हम सब एक है और हम ये सब कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, लेकिन आपके दावेदारों का जो फाइनलाइजेशन होता है वो किस तरीके से होता है? क्या ऊपर से हो जाता है, स्काई डाइवर्स कैंडिडेट होते हैं आपके, या आप ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को प्रेफरेंस देते हैं? सभी से रायशुमारी की जाती है, पर्यवेक्षक आते हैं, सबसे रायशुमारी की जाती है, उसकी रिपोर्ट जिलाध्यक्ष जी, नगर कांग्रेस अध्यक्ष और जिन्होंने चुनाव के उम्मीदवार है कांग्रेस के, नसीम अख्तर जी, माननीय श्रीमती पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीम अख्तर जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी भूपेंद्र सिंह जी राठौर साहब, ये सभी रिपोर्ट PCC में भेजते हैं और PCC में माननीय सम्माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी सचिन जी पायलट साहब, हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं और वो जो जैसा गाइडलाइन करते हैं उसी तरह से होता है। आपका चैनल पूरा इस तरीके से चलता है और वहाँ से आप लोग उम्मीदवार फाइनल करके और फिर यहाँ जो है मैदान में डटते हैं। क्या आपको लगता है, आप जब संगठन से जुड़े हुए हैं, आपकी पहुँच ऊपर तक भी है, आप अपनी दावेदारी को लेकर के कितने प्रतिशत आश्वस्त हैं कि हाँ इस बार, पिछले बार नहीं मिला, कितनी प्रतिशत आपको आश्वस्तता है अपने आप में कि टिकट इस बार मिल जाएगा? नहीं, ऐसा ये चीज़ आश्वासन दावेदारी करना ही कर बात है। वहाँ जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं, मेरे पार्टी का, अगर मेरी पार्टी मेरा दूसरे को टिकट देगी तो मैं उसके लिए भी काम करूँगा, इसमें कोई नहीं है कि मैं मेरा ये समझूँ कि टिकट फाइनल। हम काम कर रहे हैं, हम सभी एकजुट होकर टिकट किसे भी मिले हम उसके लिए प्रयासरत रहेंगे, उसे जिताने के लिए। आप खुद के लिए पैरवी नहीं करेंगे? मैं पैरवी टिकट आवेदन करूंगा, मांगूंगा, पार्टी जिस भी पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और नहीं जिसको भी देगी उसके साथ चुनाव उसके साथ लगूंगा। आप अभी भी उसी थीम में हैं कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं पीछे नहीं हटूंगा और नहीं मिला तो मैं जो संगठन की सेवा कर रहा हूँ उसके साथ हूँ। ये सब बहुत कॉमन से मामला है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन यहाँ चेंज करते हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को आप जनता तक ले जाएंगे, राज्य सरकार की योजनाओं को आप वहाँ तक ले जाएंगे। इस वार्ड से आपका, जिससे आप दावेदारी कर रहे हैं, उस वार्ड में आप रहते नहीं हैं, करीब 10-12 साल से आप वहाँ चले गए, अब क्या मानते हैं कि मतदाता आपको स्वीकार करेंगे? मेरा मानना ये कि मेरा जो जन्मभूमि है वो वही वार्ड है, मैं छोटे से बड़ा उसी वार्ड में हुआ हूँ। परिवार बड़ा होने के कारण मकान मुझे वहाँ बनाने दूसरी जगह पे शिफ्ट होना पड़ा, बाकी मैं आज भी ज़्यादातर उसी वार्ड में रहता हूँ, उसी वार्ड में कोई फंक्शंस होते हैं तो वहीं जाता हूँ, क्योंकि पुश्तैनी मकान वहीं है। जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं हमारे घर में तो पुश्तैनी का मकान में ही होते हैं, तो हम लोग वहाँ अधिकांशतः वहाँ रहते हैं। आप मतलब उस वार्ड में आप जड़े वहीं हैं, उसी जगह है। चलिए, ये अपना व्यू रख रहे थे कि संगठन को लेकर के, चुनाव को लेकर के, और आपका अपना एक विजन है कि आप यहाँ लड़ेंगे। एक छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं, माना आपको टिकट मिल गया, माना आप उस वार्ड से दावेदारी करके और आप विजय श्री की तरफ बढ़ गए। अब एक और माना शब्द इस्तेमाल कर देते हैं कि माना कि चेयरमैन की सीट जनरल आ गई, तो उस स्थिति में आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा, क्या आप चेयरमैनशिप के लिए दावेदारी करेंगे? जी, जैसा हमारा प्रदेश नेतृत्व सम्माननीय प्रदेश कांग्रेस सचिन पायलट साहब, जो वहाँ का आदेश आएगा वो हमें मान्य रहेगा, हमारी पार्टी संगठित पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, तो हम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो उनके निर्देशों पे काम करते हैं, जो उनका निर्देश आएगा वो उसी का हम पालन करेंगे।
बड़े सधे हुए, बहुत अच्छे तरीके का विजन रखते हैं, अपनी बात को कह देते हैं लेकिन जाहिर नहीं करते हैं कि इसमें से डायरेक्ट मीनिंग निकालना आपका काम, पार्षद का मिलेगा नहीं मिलेगा उसमें भी आप स्किप कर गए, चेयरमैन के ऊपर दावा करेंगे कि नहीं करेंगे स्किप कर गए। अच्छी पर्सनैलिटी, अच्छा व्यक्तित्व है, हंसमुख, मिलनसार, इजी अवेलेबल, ये अपने इनके बारे में कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मेरा चैनल किसी भी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करता है, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं सारे दलों को, लोगों को बुलाता हूँ, उनके व्यूज़ आपके पास रखता हूँ, इसके बाद वो अपना एक सोच लेकर के आते हैं, ये आपके अपने विचार है। लेकिन चूँकि आज आपको मैंने एक्सप्रेस सीरीज़ इंटरव्यू में बुलाया, यानी कि आपकी कहीं ना कहीं समाज में पहुंच है, आपको लोग सुनते हैं, आपको, आपका एक समूह है जिसमें आप प्रसिद्ध भी हैं, आपकी मान्यताएं भी हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि कुछ भी पॉजिटिव निकल कर के आए कहीं से भी गैर राजनीतिक, तो आप क्या गैर राजनीतिक संदेश इस राष्ट्र को लेकर के, अपने शहर को लेकर के, अपने दोस्तों को लेकर के देना चाहेंगे मेरे दर्शकों? कि मैं तो यही देना चाहूँगा कि एक साधारण व्यक्ति बनकर और कुछ सीखने की कोशिश करें, राजनीतिक नहीं, कि जितना आप सीख किसी भी क्षेत्र में अगर काम करते हैं तो आप उसमें उस तह तक घुसो, उसको नई चीज़ सीखने को हमेशा मिले और हमेशा कुछ नया ना नया सीखने की कोशिश करो, नए बने रहिए, कुछ नया सीखिए, ये कुछ अलग का कंसेप्ट है जो मेरे जहन में भी है, इसलिए मैं भी कुछ ना कुछ आपके साथ नया प्रयोग करते रहता हूँ। दोस्तों इसी दिलचस्प पर्सनैलिटी को आगे आप दावेदारियों में देखेंगे, आपने स्टूडियो में समय दिया अपना कीमती, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने, मैं आपका अब बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ अजय मेरू एक्सप्रेस का, तो मुझे इस लाइक समझा कि मैं आपने अपने स्टूडियो में बुलाया और मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश की और आम लोगों को बताने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।